कुछ कुछ, क्योंकि मतलब हम सब जो एक फैमिली स्टोरी जब आप बनाते हैं तो माँ बाप मामा मामी ये सब हम सब रिलेट करते ही हैं, यू नो. मेरा भी हम मेरे जो पूरा परिवार है रिलेटिव्स का, देयर नॉट इन बॉम्बे, वो सारे कुछ पंजाब में है, कुछ हिमाचल में है, कुछ देहरादून में है. तो पर जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो जो माहौल बनता है, जैसे पिछले साल मेरी कजन की शादी थी हिमाचल में, तो जब हम वहां गए थे तो हम एक ही कमरे में 10 लोग सो रहे थे हम, क्योंकि वो जो माहौल जो साथ में मजा आता है, और जो कई टाइम से हम मिले नहीं होते हैं और बातें शुरू होती हैं और सब कुछ होता है, वो माहौल कुछ और ही होता है. एंड वी ऑलवेज क्रेविंग फॉर दैट इन अ सिटी लाइक बॉम्बे. तो जब हमें ये शूटिंग के दौरान वो जीने का मौका मिला, वो फील करने का मौका मिला, सो आई थिंक ऑन सेट ऑल्सो इट वॉज लाइक अ बिग फैमिली कमिंग टूगेदर. और वो जो 50-60 दिन हमने साथ में शूट की लगातार, तो वो बड़ा मजा आया. एंड आई थिंक दैट वॉज द रिलेटेबल फैक्टर फॉर अस कि यार एक परिवार को घर से छोड़ के हम सेट पे आते थे और ये दूसरे परिवार के साथ हम काम करते थे. आप कभी लिविंग रूम में सोए हो? हाँ सर, है ना. सर मैं जहाँ पैदा हुआ था मलाड में, मालवानी कॉलोनी, पता नहीं पता होगा, मालवानी कॉलोनी नंबर 1 में 10x10 का कमरा था, तो वहाँ मैं पैदा हुआ था. तो अभी तो कल जन्मदिन है, तो 35 साल पहले मैं वहाँ पे था. तो वहाँ से, पर इट्स बीन माय पेरेंट्स जर्नी, मेरे माँ बाप की जर्नी रही है. एंड गॉड हैज बीन रियली रियली काइंड टू शो अस गुड टाइम्स एंड होपफुली बेटर टाइम्स अहेड. बट ऑफ कोर्स लिविंग रूम मतलब उसका मुझे अभी भी मतलब वो एक होता ना पापा और मम्मी एक कहानी जो हमेशा हजार बार बच्चा सुन के बड़ा होता है कि ये कि तुम जब पैदा हुए थे तो एक गद्दा था, एक आटे का डिब्बा था और एक चूल्हा था, तो ज्यादा उड़ो मत. तो ये कहानी सुन सुन के बड़े हुए हैं.